हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एन रेडक्लिफ। एन रेडक्लिफ जो कि एक गोथिक नॉवलिस्ट है, और इससे पहले भी स्टूडेंट्स मैंने जो टू दो, दो वीडियो बनाए हैं गोथिक लिटरेचर से रिलेटेड। और गोथिक लिटरेचर में एक में मैंने गोथिक लिटरेचर क्या है बेसिकली और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो बनाया है, और गोथिक नॉवलिस्ट जो है मैरी शैली, और मैरी शैली के ऊपर भी जो मैंने एक वीडियो बनाया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज चल रही है गोथिक नॉवलिस्ट रिलेटेड, जिसमें पहला मैंने मैरी शैली को कवर किया है और ये सेकेंड थर्ड वीडियो है इससे रिलेटेड। इसमें जो है नॉवलिस्ट जो है ये है एन रेडक्लिफ। तो एन रेडक्लिफ और उनके वर्क से रिलेटेड और उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 34-35 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस वीडियो में जो है आज मैं कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं एन रेडक्लिफ। एन रेडक्लिफ जो है उनका जो है बॉर्न हुई थी एन वार्ड 9 जुलाई 1764 को इनका जन्म हुआ था, होलबॉर्न लंदन जो कि इंग्लैंड के अंदर है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उनकी डेथ जो हुई थी 7 फेब 1823 को इनको जो है डेथ हुई थी, वो भी जो है उनकी लंदन इंग्लैंड के अंदर हुई थी। और डेथ के टाइम जो है उनकी एज थी 58। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो बेसिकली एक नॉवलिस्ट थी। योनर उनका क्या है, उनका गोथिक लिटरेचर में जो है वो ले लिखती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन रेडक्लिफ वाज एन इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश ऑथर थी एंड ए पायनियर ऑफ गोथिक फिक्शन। और गोथिक फिक्शन में जो है सबसे जो शुरुआत के अग्रिम जिन राइटर्स का नाम आता है उनमें रेडक्लिफ का जो है नाम आता है। हर फादर वाज विलियम वार्ड, और उनके फादर का नाम जो था वो विलियम वार्ड था। हर मदर वाज एन ऑट्स ऑफ चेस्टरफील्ड, और उनके मदर जो थी उनका नाम भी एन था, तो उनका जो पूरा नाम था वो एन ऑट्स थी, कहाँ की, चेस्टरफील्ड। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एन थी वो इतने शाई नेचर की थी कि जो इनके एक रिलेटिव्स थे उन्होंने जो है उनको डिस्क्राइब किया है, रिलेटिव्स जो थे वेडवुड थे, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है एज बेंटलेज शाइनीज। बेंटलेज जो थे इनके मैटरनल अंकल थे एन के, और उन्होंने ये लिखा है उसके लिए कि बेंटलेज शाइनीज, ये जो कोटेशन जो है वो एन के लिए जो है उन्होंने यूज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन 1787 वार्ड एन वार्ड मैरिड द ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एंड जर्नलिस्ट विलियम रेडक्लिफ, पार्ट ओनर एंड एडिटर ऑफ द इंग्लिश क्रॉनिकल। और जो उसके बाद 1787 के अंदर उनकी शादी हो गई थी विलियम रेडक्लिफ के साथ, और ये जो थे विलियम रेडक्लिफ जो थे वो पार्ट ओनर भी थे और एडिटर भी थे इंग्लिश क्रॉनिकल्स के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो एन के हस्बैंड थे जो वो मोस्टली टाइम जो है उनका ऑफिस में स्पेंड होता था, तो इसलिए जो है मैरी जो है घर पे जो है काफ़ी टाइम के लिए अकेली होती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, शी बिगन टू रीड एंड राइट टू ऑक्यूपाई हर टाइम, अपने टाइम को जो है इंजॉय करने के लिए उन्होंने राइटिंग जो है स्टार्ट कर दी। द मनी शी अर्न फ्रॉम हर नॉवल्स लेटर अलाउड दैम टू ट्रेवल टुगेदर अलॉन्ग विद हर देयर डॉग चांस। और उसके बाद जो उसने एन को अपने नॉवल से जो भी पैसा जो अर्न होता था उसके वो जो है उसके उस पैसे से जो है बाद में वो उन्होंने ट्रैवल किया कहाँ पे, बाकी कंट्रीज के अंदर, और कहाँ किसके साथ किया, अपने हस्बैंड के साथ, और उनका एक डॉग था जिसका नाम था चांस। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो एन थी उसके डॉग का नाम क्या था, तो उसके डॉग का नाम था चांस। उसके बाद है रेडक्लिफ पब्लिश्ड 5 नॉवल्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जो एन रेडक्लिफ ने है अपने 5 नॉवल्स को अपने लाइफ टाइम ने जो है पब्लिश किया था। शी रेफर्ड हर नॉवल्स एज रोमांसेस, और उन्होंने एन रेडक्लिफ ने अपने नॉवल्स को जो है वो रेफर किया, उन्होंने बताया है अपने नॉवल्स को कि वे रोमांसेस हैं। हर फाइनल नॉवल, उनका जो फाइनल नॉवल था गैस्टोन डी ब्लॉन्डेविल वाज पब्लिश पोस्टमसली इन 1827, और उनका जो लास्ट नॉवल था गैस्टोन डी ब्लॉन्डेविल ये जो है उनकी डेथ के बाद जो है ये पब्लिश हुआ था 1826 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो मतलब आफ्टर डेथ उसके जो है आफ्टर डेथ जो है वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेडक्लिफ फर्स्ट 2 नॉवल्स, रेडक्लिफ के जो 2 पहले नॉवल थे वो थे द कैसल ऑफ एथलीन एंड डनबेन
जो कि 1789 के अंदर पब्लिश हुआ था, और दूसरा था ए सिलिसियन रोमांस जो कि 1790 के अंदर पब्लिश हुआ था, वर पब्लिश्ड एनोनिमसली एंड रिसीव ग्रेट रिव्यूज़। ये जो दोनों इसके जो फर्स्ट टू नॉवल्स थे वो एनोनिमसली पब्लिश हुए थे, यानी गुमनाम रूप से पब्लिश हुए थे, यानी उन्होंने उसने बिना अपने नाम को मेंशन किए जो है इन नॉवल्स को है पब्लिश किया था। तो एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट्स यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से नॉवल्स जो है आपको वर्क दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि वर्क जो है वो कैसे पब्लिश हुआ था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, पोस्थमसली पब्लिश हुआ था, या राइटर के नेम से पब्लिश हुआ था। तो ये जो था जो लास्ट नॉवल था जो वो आफ्टर उनके डेथ पब्लिश हुआ था, जबकि फर्स्ट टू नॉवल्स जो थे वो एनोनिमसली पब्लिश हुए थे, यानी उन बिना उनके नाम के जो है पब्लिश हुए थे। एंड फाइनली डिस्क्राइब्ड हर नेम टू हर मोस्ट फेमस वर्क द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो 1794। जो उन्होंने अपना फाइनली जो अपना नाम अपने वर्क्स पे जो मेंशन किया था वो उनका फेमस वर्क था द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, जो कि 1794 के अंदर जो है पब्लिश हुआ था। तो इस पहला वर्क था जिस पे उन्होंने अपना नाम मेंशन किया था एज ए राइटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शी रिसीव्ड 500 पाउंड फॉर हर नॉवल द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। 1794 के अंदर जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, उसके लिए उनको जो है उस टाइम पे 500 पाउंड्स मिले थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस उस टाइम पीरियड पे जो है वो बहुत रेयर होता था कि किसी फीमेल राइटर को जो है इतने पाउंड्स जो है किसी वर्क के लिए मिले, यानी ये पॉसिबल ही नहीं था कि किसी फीमेल राइटर को जो है इतने जो है मनी जो है उसके वर्क के लिए मिले। तो उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, हर नॉवल्स वर एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द अपर क्लास एंड द ग्रोइंग मिडिल क्लास। और जो एन के जो वर्क्स थे वो स्पेशली पॉपुलर थे अपर क्लास में, और जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उसके बाद है शी वॉज फेमस अमंग यंग वीमेन, यंग वीमेन के अंदर जो है एन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट पॉइंट है शी ऑल्सो पब्लिश्ड ए ट्रेवलॉग। उन्होंने मैरी ने जो सॉरी एन ने जो है एक और ट्रेवलॉग जो है पब्लिश किया था जिसका नाम था ए जर्नी थ्रू हॉलैंड एंड द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ जर्मनी 1795। 1795 के अंदर उन्होंने एक ये ट्रेवलॉग लिखा था, ये जो है उनकी खुद की एक जर्नी का जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे उन्होंने ये जो है वर्क लिखा था। उसके बाद द इटालियन वॉज द लास्ट बुक शी पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अपनी लाइफ टाइम की लास्ट बुक जो थी वो कौन सी चीज थी जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश की थी। तो इसका आंसर है द इटालियन, इटालियन द इटालियन जो है वो उनकी लास्ट बुक थी जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स कॉल हर दी माइटी एनचेंट्रेस एंड द शेक्सपियर ऑफ रोमांस राइटर्स। जो उसके जो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स थे उन्होंने जो है एन को जो है वो क्या कहा है, माइटी एनचेंट्रेस कहा है और शेक्सपियर ऑफ रोमांस कहा है। एंड हर पॉपुलैरिटी कंटिन्यूड थ्रू द 19th सेंचुरी, और एन की जो पॉपुलैरिटी थी वो 19th सेंचुरी तक चलती रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेन ऑस्टिन पैरोडिड द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। जेन ऑस्टिन ने जो है जे मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो के ऊपर एक पैरोडी लिखी है। पैरोडी मतलब द टू कॉपी द स्टाइल ऑफ समवन और समथिंग इन ह्यूमरस वे, मतलब कुछ किसी की किसी भी वर्क को या किसी भी इंसान को जो आप ह्यूमरस वे में जो है उसके स्टाइल को या उसको कॉपी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। तो ये उसने जेन ऑस्टिन ने की पैरोडी की है द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो की, किसमें द नॉर्थ एंजर एबी में के अंदर जो उन्होंने जेन ऑस्टिन ने वर्क लिखा था अपना नॉर्थ एंजर एबी, तो उसके अंदर जो है वो पैरोडी की है किसकी, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इटालियन वॉज रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू मैथ्यू ग्रिगोरी लेविस द मॉन्क। और जो द इटालियन वर्क जो था एन का वो उन्होंने लिखा था मैथ्यू लेविस के रिस्पांस में, जो कि मैथ्यू लेविस ने एक वर्क लिखा था द मॉन्क, और उसके रिस्पांस में इन्होंने ये वर्क लिखा था द इटालियन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर एन रेडक्लिफ डेथ, एन रेडक्लिफ की डेथ के बाद हर हस्बैंड रिलीज्ड हर अनफिनिश्ड एसे। उनके हस्बैंड ने जो है उनका एक अनफिनिश्ड एसे था वो क्या था, ऑन द सुपर नेचुरल इन पोइट्री, ये जो है ऐसे का नाम था ऑन द सुपर नेचुरल इन पोइट्री इन विच शी डिटेल्स द डिफरेंस बिटवीन टेरर इन हर वर्क्स एंड हॉरर इन मैथ्यू लेविस वर्क्स। इसके अंदर उन्होंने जो है एक डिफरेंस किया है
किसके अंदर, टेरर और हॉरर के अंदर। उन्होंने ही बताया था कि उनके वर्क्स के अंदर जो है एन के वर्क्स के अंदर टेरर है, जबकि वो ये कंपैरिजन करके ये बताती है, डिफरेंस करके बताती हैं कि मैथ्यू लेविस के वर्क्स के अंदर हॉरर है। तो ये जो है डिफ्रेंशिएट किया है उन्होंने इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडक्लिफ एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप वर इन्फ्लुएंस बाय द पेंटर क्लॉड लॉरेन एंड स्वालटोर रोजा। तो ये जो है एन रेडक्लिफ ने जो भी अपने नॉवल्स के अंदर जो भी सीनरी थी, जो भी लैंडस्केप थे, तो वो किससे ज़्यादा, किससे इन्फ्लुएंस होती थी, तो वो इन्फ्लुएंस होती थी एक पेंटर से, जिनका सॉरी पेंटर जो है, दो पेंटर हैं उनका नाम है, एक का नाम है क्लॉड लॉरेन और दूसरे का था सल्वाटोर रोजा। सल्वाटोर रोजा जो है ये दो पेंटर से जिनसे जो है रेडक्लिफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी और उन्हीं से जो है इंस्पायर होके वो अपने वर्क्स के अंदर ऐसे लैंडस्केप, ऐसी सीनरी जो है वो क्रिएट करती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्पाइस द सक्सेस ऑफ हर वर्क्स रेडक्लिफ लेड ए वेरी क्वाइट लाइफ विद हर हस्बैंड। और ये कहते हैं कि जो एन थी वो बहुत ही ज़्यादा शांत नेचर की थी और इतनी ज़्यादा, हालांकि उसके वर्क्स को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही शांत लाइफ जो है वो स्पेंड करती थी अपने हस्बैंड के साथ। शी नेवर अपियर्ड इन पब्लिक नॉर मिंगल्ड इन प्राइवेट सोसाइटी बट कैप्ट हर सेल्फ अपार्ट। यानी वो पब्लिकली कभी भी सामने नहीं आती थी और ना ही किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर कभी भी मिक्स होती थी, बट अपने आप को सब चीज़ों से वो अलग रखती थी और एक बहुत ही शांत लाइफ जो है वो स्पेंड करती थी। अब एन रेडक्लिफ ने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है, गॉथिक नॉवल लिखा है द मिस्ट्रीज ऑफ उडल्फो, और उसके इसके ये इसी वर्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपीयर्ड इन फोर वॉल्यूम, जो ये वर्क आया था द मिस्ट्रीज ऑफ उडल्फो, ये गॉथिक नॉवल, ये फोर वॉल्यूम्स के अंदर आया था। और कब आया था, 8 मई 1794 के अंदर ये आया था। और पब्लिश करने वाले कौन कौन थे, जी जी एंड जे रॉबिन्सन, जी जी और जी डॉट जी एंड जे रॉबिन्सन ने जो है इसको पब्लिश किया था। उसके बाद द नॉवल सेट इन 1584, जो नॉवल की सेटिंग है वो 1584 की दिखा रखी है, और कहाँ पे, इन साउदर्न फ्रांस के अंदर दिखा रखी है और नॉर्दर्न इटली के अंदर इस नॉवल की सेटिंग है सारी की सारी। उसके अंदर स्टोरी क्या है, इट एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ एमिली, एमिली ए यंग फ्रेंच वीमेन और फ्रेंड बाय द डेथ ऑफ हर फादर। और इसके अंदर जो है एमिली एक यंग फ्रेंच गर्ल है, वीमेन है, उसकी जो है स्टोरी दिखाई गई है, उसकी आफ्टर हर फादर्स डेथ, उसके फादर की डेथ के बाद की स्टोरी दिखाई गई है। शी इज इन प्रिजन इन कैसल उडोल्फो, और उसको जो है इम्प्रिजन किया जाता है, उसको बंद रखा जाता है कैसल में, कहाँ पे, उडोल्फो की एक कैसल है वहाँ पे उसको जो है इम्प्रिजन किया जाता है बाय सिग्नोर मोंटोनी। सिग्नोर मोंटोनी के जो है वो कौन है, एन इटालियन हु हैड मैरिड हर आंट, एक इटालियन है जिसने उसकी आंट से जो है एमिली की जो आंट है उससे शादी कर रखी है, और वो जो है उसको एमिली को जो है उडोल्फो की कैसल में कैद कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी फ्राइटनिंग इवेंट्स हैपन इन द कैसल, और कैसल के अंदर बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं, बहुत ही फ्राइटनिंग इवेंट्स जो है वहाँ पे घटते हैं, बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में एमिली मैनेज टू फ्ली, एमिली जो है वो किसी तरह से वहाँ से भाग के निकल पाती है एंड इज री यूनाइटेड विद हर लवर, और लास्ट में अपने लवर के साथ यू यूनाइटेड होती है, बाद में दोबारा से मिलती है, कौन था, वेलनकोर्ट इन द एंड, और जो उसके लवर का नाम था वो था वेलनकोर्ट, वो एंड में उसके साथ मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका मेन जो है द कैसल ऑफ उडोल्फो को जो है उसका मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है, तो एमिली जो है मेन प्रोटैगोनिस्ट है इसकी, और उसके बाद जो है उसके जो उसके अंकल जो है वो है सॉरी सिग्नोर मोंटोनी जो है ये इसके अंकल है, उसके बाद जो है उसका लवर जो है वेलनकोर्ट, ये उसका लवर है एमिली का। तो इस तरह से जो है ये स्टोरी की एंडिंग होती है, और ये बहुत वर्क जो है वो गॉथिक लिटरेचर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो माना जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में हमने कवर किए हैं एन से रिलेटेड,
वो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और उसी के साथ जो है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।